बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेरी वेलकम यू ऑल टू दिस MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन एंड स्टूडेंट्स इन दिस टुडेज लेसन इन दिस सेशन ऑफ प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप ऑफ स्टैंडर्ड 8 वी आर स्टडिंग अबाउट पेपर 1 मैथ्स एंड टुडे टॉपिक इज properties of parallel lines and transversal. So आज के इस सेशन में बच्चों आपका खैर मकदम है. आज के सेशन में हम आठवीं जमात के रियाजी पर्चा 1 में यहाँ पर बात कर रहे हैं प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन की तैयारी के सिलसिले में. आज हमारा जो टॉपिक है वो है मतवाजी खतूत और ख़त तकाता की खसूसियात के बारे में. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम सब यूनिट 3.2 के बारे में. तो इससे पहले के सेशंस में बच्चों हमने मुतवाजी खतूत को समझा है और ख़त तकाता से जो बनने वाले जाविये होते हैं उन्हें भी हमने यहाँ पर समझा था. ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों हम यहाँ पर इस पर मबनी कुछ सवालात देखने वाले हैं. इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर ली है, उन एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. तो हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू. इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम and the line N is their transversal, then how many pairs of corresponding angles will be formed. यहाँ पर आपको देख बताना है बच्चों कि इस शक्ल में कि अगर जो ख़त L है वो M ख़त के जो है तो मुतवाजी है और ख़त एन तकाता हो तो नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ कितनी बनेगी वो हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर आप इस शक्ल का मुशाहिदा कर सकते हैं. इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सवाल दिया, जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं उसका ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं. सो अल्टरनेटिव नंबर 1 इज 3, 1, 4 and 2. These are the alternatives. And now we are supposed to find out the answer from the figure. So you are observing here that there are 4 pairs of corresponding angles are formed by parallel lines at their transversal. So you can see here that this one, this one, and this one. So you can see here that the 4 pairs of corresponding angles are formed here by 2 parallel lines and their transversal. So you are looking at the alternative number 3 having the correct answer. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 3 like this. तो बच्चों यहाँ पर देखा आपने कि 2 खतूत और इनके ख़त तकाता से नज़ीरी जावियों की कुल जो है तो 4 जोड़ियाँ बनती है, ये हमें पता है. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो अल्टरनेटिव नंबर 3 है उसे डार्क करेंगे. इसके बाद हम यहाँ पर इस शक्ल का मुशाहिदा करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सवाल क्या दिया हुआ है. कि अगर 2 मुतवाजी खतूत तकाता
खुतुत तकाता करता करें तो मुतबादला ज़ावियों कितनी जोड़ियाँ बनेगी। ठीक है, तो अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ठीक है, तो अगर हमें देखना है कि दो मुतवाजी खतूत को एक खते तकाता कता करें तो मुतबादिल ज़ावियों कितनी जोड़ियां बनेगी। तो हम देखते हैं कि दो मुतवाजी खतूत को एक खते तकाता कता करें तो मुतबादिला ज़ावियों की जो जोड़ियां बनती है वो दो होती है ना, ये बात आपको याद होगी। सो इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन देन टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों आपको कि यहाँ पर जो दो जवाब है वो कौन से अल्टरनेटिव में है। सो यू आर ऑब्जर्विंग दैट अल्टरनेटिव नंबर वन हैविंग द करेक्ट आंसर। सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन अल्टरनेटिव नंबर वन लाइक दिस। दे आफ्टर यू आर ऑब्जर्विंग दिस क्वेश्चन दैट इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एक्स इज पैरेलल टू लाइन वाई, देन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अगर आप यहाँ पर इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर के जो वाई खत है वो एक्स खत के और खत जेड इनका खत तकाता हो, तो दी गई मालूमात की बुनियाद पर एम की पैमाइश मालूम करना है हमें। यहाँ पर किसकी पैमाइश मालूम करना है, एम की। ठीक है, तो एम की पैमाइश अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर मालूम करते हैं एम की पैमाइश, तो अब यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें 60, 120, 90 और नन ऑफ दीज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाई एक्स के पैरेलल है ना, और खत जेड इनका खत तकाता है, ये हम यहाँ पर शक्ल में मुशाहिदा कर रहे हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए जो दिया है वो क्या है, नज़ीरी ज़ाविया है ना, और वो कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। तो हमें मालूम है कि जो है तो ए ये जो जाविया है वो एम के बराबर है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए और एम बराबर 20 है, 120 है, और ये क्या है, मुतबादला जाविया है। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर टू हैविंग द राइट आंसर 120। तो एम की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो 120 होगी। सो लाइन एक्स इज पैरेलल टू लाइन वाई एंड लाइन ए इज अ ट्रांसवर्सल हेयर इन दिस फिगर। सो ए इज इक्वल टू 120 एंड दैट इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ए इज इक्वल टू एम एंड एम इज इक्वल टू 120। ओके, सो यू कैन सी हेयर दैट दीज आर द अपोजिट एंगल्स। ओके, सो यू आर ऑब्जर्विंग दैट 120 इज अन इन अल्टरनेटिव नंबर टू। सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन अल्टरनेटिव नंबर टू लाइक दिस। ओके, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए लाइन बी एंड लाइन सी इज ट्रांसवर्सल, देन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है वो क्या है कि बी खत जो है तो मुतवाजी है किसके, खत ए के, और खत सी इनका खत तकाता हो, तो दी हुई मालूमात की बिना बुनियाद पर हमें एम की कीमत मालूम करना है, एम की पैमाइश मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, सो द अल्टरनेटिव्स आर 50, 40, 120 एंड 130 ऑल्सो। ओके, सो दीज आर द अल्टरनेटिव्स हेयर एंड नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द राइट आंसर हेयर। सो
यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है तो इस फिगर का ऑब्जर्वेशन करना है। इस फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है उसका मुशाहिदा हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें m की वैल्यू जो है तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इस फिगर को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर कि लाइन ए जो है तो लाइन बी के मुतवाजी है, ठीक है, और सी इनका खत तक आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि खत्ती जोड़ी के जाविये जो है तो यहाँ पर ये हमें नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि खत्ती जोड़ी के जाविये की पैमाइश का मजमू जो है तो कितना होता है, 120 होते 180 होता है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 180 में से अगर हम इसके इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं 50 को तो डेट विल बी 130 आंसर, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, सो 50 प्लस 9, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। हेयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक, सो हेयर इज एक्स, एक्चुअली ओनली एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50 एंड दैट विल बी 130। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स, ये कौन से हैं, मुतबादला जाविये हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स मुतबादला जाविये। सो यू आर लुकिंग दैट दिस आंसर 130 इज इन अल्टरनेटिव नंबर 4, सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन अल्टरनेटिव नंबर 4 लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्टरनेटिव नंबर 4 को डार्क सर्कल करेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये जो सवालात हमने आपके सामने रखे हैं वो आप इसे समझ रहे होंगे ज़रूर से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मज़ीद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन सी इज पैरेलल टू लाइन डी एंड आर द ट्रांसवर्सल ऑफ ईच अदर, देन हाउ मेनी मैक्सिमम पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी फॉर्म्ड। क्या सवाल किया है यहाँ पर, यहाँ पर सवाल किया है कि इस शक्ल में जो है तो खत ए मुतवाजी है खत बी के और खत डी जो है तो मुतवाजी है खत सी के, तो यहाँ पर नज़ीरी जावियों की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जोड़ियाँ बनेंगी वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करें आप इस फिगर का तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो खत दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से हर खत जो है तो दूसरे दो खतूत का खत तकाता है, ठीक है। तो हर खत तकाता के लिए चार, इस लिहाज से जो है तो चार खत तकाता के लिए कुल हम अगर देखेंगे यहाँ पर तो 4 × 4 मीन्स 16 जो है तो नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ यहाँ पर तैयार होगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ईच यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल जो जोड़ियाँ होंगी हमारी वो कितनी होगी, दैट विल बी 16। सो ईच आउट ऑफ लाइंस ए बी सी डी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ अदर टू लाइंस, फॉर वन ट्रांसवर्सल वी गेट फोर पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो फॉर फोर ट्रांसवर्सल देयर विल बी 4 × 4 मीन्स 16 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि चार, ज़रब चार अगर हम देखते हैं तो 16 हमें मिलेगा, है ना।
हम इस तरह से देखते हैं कि ये जो है तो 16 नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियां यहाँ पर तैयार होगी, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में जो हमारा करेक्ट अल्टरनेटिव होगा वो होगा अल्टरनेटिव नंबर 1। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारा जवाब हुआ इस तरह से बच्चों। ठीक है, हम आसानी से जवाब तक पहुंच सकते हैं अगर हमने गुज़िश्ता मालूमात को समझा है तो। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें दिया हुआ इन द एडजॉइनिंग फिगर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर हमें इस फिगर को ऑब्जर्वेशन करना है और बताना है कि मुतबादला ज़ावियों की कितनी जोड़ियाँ हैं, हाउ मेनी अल्टरनेट एंगल्स पेयर इन दिस फिगर। सो अल्टरनेटिव्स आर गिवन हेयर, दीज आर द अल्टरनेटिव्स 2, 4, 8, 16 एंड 12। सो वी आर सपोज टू मार्क ऑन द राइट आंसर हेयर। सो यहाँ पर आपको मालूम है बच्चों की हर खत जो है तो तकाता के लिए 2, इस हिसाब से खत तकाता के लिए जो है तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 × 4 यानी कि यहाँ पर 8 जो है तो मुतबादला ज़ावियों की जोड़ियाँ तैयार होती हुई हमें नज़र आ रही है। कितनी जोड़ियों की बात हो रही है तो कितनी जोड़ियाँ आएगी, 8 आएगी, है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे फॉर ईच ट्रांसवर्सल वी गेट 2 pairs, कितनी जोड़ियाँ बन रही हैं यहाँ पर, 2 जोड़ियाँ बन रही है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कुल जो है तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि कुल कितनी जोड़ियाँ बनेंगी फिर उसके बाद। सो यू विल सी दैट द फॉर ईच ट्रांसवर्सल वी गेट 2 pairs ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, फॉर 4 ट्रांसवर्सल देर विल बी 4 × 2 एंड दैट विल बी 8 pairs ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। सो वी आर सपोज टू मार्क अ डार्क सर्कल ऑन अल्टरनेट नंबर 2 हेयर बिकॉज इट इज हैविंग द करेक्ट अल्टरनेट एंड दैट इज 8। सो काफ़ी आसान है बच्चों, अगर थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया यहाँ पर तो आप आसानी से इस तरह के सवाल हल कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सवाल क्या दिया हुआ है कि मुकाबिल की शक्ल में खत एन जो है तो खतूत एल एम का खत तकाता है तो सी जाविये का दाखला जाविया कौन सा होगा वो हमें बताना है, सी जाविये का दाखला जाविया हमें बताना है। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एन इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम विच इज़ द इंटीरियर एंगल्स फॉर सी। ओके, यहाँ पर एंगल सी का हमें इंटीरियर एंगल देखना है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव्स दिए हुए एंगल ई, एंगल जी, एंगल एच, एंगल एफ। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं इन अल्टरनेटिव्स में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर हम जाविया सी देख रहे हैं ना, ठीक है, तो जाविया सी का जो दाखला जाविया है वो क्या है यहाँ पर, तो आप देखेंगे वो जो है तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, वो है यहाँ पर F। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जाविया सी का जाविया सी एंड जाविया एफ एंगल सी एंड एंगल एफ आर द इंटीरियर एंगल्स। सो यू आर ऑब्जर्विंग दैट द अल्टरनेटिव 4 हैविंग द करेक्ट आंसर एंड दैट इज एंगल एफ। सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन दिस अल्टरनेटिव। ओके, नाउ लेट अस सी द अनदर एग्जाम्पल। इन द एडजॉइनिंग फिगर line D is a transversal of line A and B and C, how many pairs of alternate angles are formed। यहाँ पर हमने देखना है इस शक्ल में कि खत D खतूत A B C इनका खत तकाता है तो मुतबादला ज़ावियों की कितनी जोड़ियाँ यहाँ पर बनेगी वो हमें बताना है। ठीक है,
अल्टरनेटिव्स आर 4, 8, 6 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पर कि खत डी ये जो है तो खतूत ए बी और सी का खत तक आता है ना। ठीक है, और हर खतूत की जो जोड़ी के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो दो, इस हिसाब से जो है तो तीन जोड़ियों के लिए यहाँ पर 2 × 3 मुतबादला जाविया की जोड़ियाँ जो है तो तैयार होगी। ठीक है, सो इन दिस फिगर यू आर लुकिंग दैट लाइन डी इज अ ट्रांसवर्सल हेयर, दिस लाइन डी इज अ ट्रांसवर्सल हेयर। ओके, लाइन फॉर ए बी एंड सी पेयर्स ऑफ टू लाइन्स, therefore we get two pairs of alternate angles for three pairs we get 2 × 3 means 6 pairs of alternate angles। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि कुल जो है तो 6 यहाँ पर मुतबादला ज़ावियों की जोड़ियाँ जो है तो तैयार होगी। ठीक है, so we are looking that the correct alternative is and the alternative number 3 and that is 6, so we are supposed to make a dark circle on alternative number 3 like this। okay, to is tarah se hum yahan par sahi jawab tak pahunch sakte hain। theek hai, iske baad hum yahan par jo hai to aage badhte hain aur ek example aur ek dekh lete hain jisme hum dekhenge ki in the adjoining figure A is parallel to B and line C is parallel to line D, then find out the measure for M। यहाँ पर हमें देखना है कि ख़त L ख़त B का और ख़त C ख़त D के जो है तो मतवाजी है, तो हमें यहाँ पर एम बताना है। ठीक है, ये मुतवाजी है यहाँ पर। ठीक है, ये मुतवाजी खतूत है, हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर आप गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि खत ए जो है तो ख़त बी और ख़त सी इनका जो है तो ख़त तक आता है। इसी तरह से ख़त सी, ये जो सी है और डी है वो मुतवाजी, और इनका जो ख़त तक आता है वो ए है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, तो दोनों ही वक्त में हम देखते हैं कि नज़ीरी ज़ावी की खुसियत का इस्तेमाल करके बाद में ख़त्ती जोड़ी के ज़ावियों की खुसियत इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पर और जवाब तक पहुँच सकते हैं। ओके, सो हेयर आर द अल्टरनेटिव्स फॉर दिस 1, 8, 95, 85, 105 एंड लास्ट इज 90। सो हेयर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन सी इज देयर ट्रांसवर्सल एंड ऑल्सो लाइन सी इज पैरेलल टू लाइन डी। ओके, and line A is their transversal, so both time using the property of corresponding angles। यहाँ पर हम जो है तो खत्ती जोड़ी की जावियों जावी खुसियत का इस्तेमाल कर सकते हैं। and lastly using the properties of linear pair of angles। ठीक है, नज़ीरी जावियों की खुसियत का इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ पर खत्ती जोड़ी की जावियों की खुसियत का इस्तेमाल कर सकते हैं। and then we will see here that measurement angle M is equal to 180 minus 85 and that will be 95। ठीक है, तो यहाँ पर हम खत्ती जोड़ी की जावियों की पैमाइश देख सकते हैं, 180 दर्जे होती है। सो 180 दर्जे माइनस 85 डिग्री एंड दैट विल बी 10 दैट विल बी 95। So you are looking at the alternative number 1 having the 95 correct answer। Okay, so we are supposed to make a dark circle on this alternative।
तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो एग्जांपल्स हमने आपको समझाई है ये आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आपको इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है और इसके बाद जो है तो आप देखेंगे कि आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सवालात को अपने तौर पे हल करना है। ठीक है, और उन सवालात को हल करने के बाद आपको जो है तो दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करना है। तो ज़रूर से कीजिए बच्चों। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।